जंग में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया उसे और खतरनाक हथियार दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में ही रूस के रक्षा मंत्री सर्गेय शोइगू ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था, जिसके बाद ये दावा किया गया कि रूस का एक सैन्य विमान भी प्योंगयांग में देखा गया। क्योंकि अमेरिका ने रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुई हथियारों की डील का दावा कर दिया। बताया गया कि जंग में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया उसे और खतरनाक हथियारों की खेप भेज सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस के रक्षा मंत्री सर्गेय शोइगू ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था और वहां किम जोंग उनसे मुलाकात की थी। जबकि इस दौरे के कुछ दिनों बाद ही प्योंगयांग में रूस की सेना का एक विमान देखे जाने का दावा किया गया, जिससे ये अटकलें लगाई गई कि उत्तर कोरिया ने भारी मात्रा में घातक हथियार और गोला बारूद रूस की सेना को मुहैया करा दिए, जो पलक झपकते ही यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं। वहीं रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक जापान में मिसाइल तैनात करने की अमेरिका की तैयारी पर पुतिन बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने अमेरिका के इस कदम को पूरे इलाके के लिए खतरा बताया। रूस ने अमेरिका को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दे डाली, क्योंकि जापान में अमेरिका की मिसाइलें तैनात हो जाने के बाद रूस के लिए खतरा बढ़ जाएगा। असल में जापान से रूस की दूरी महज 3,627 किलोमीटर है और अगर वहां अमेरिकी मिसाइलें तैनात होंगी तो न सिर्फ जापान बल्कि चीन की टेंशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका उन मिसाइलों के इस्तेमाल से एक ही झटके में चीन और रूस को निशाना बना लेगा। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक अमेरिका जिन मिसाइलों को जापान में तैनात करने की तैयारी में है, वो लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और जमीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें हैं। इसी वजह से पुतिन की चिंता बढ़ गई।